जैसे कि मैंने आपको अभी लिंक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, मुझे लग रहा है कि शायद आप डर रहे होंगे कि लिंक्स कैसे बनेंगे और ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये बेसिकली सबको यही लगता है कि लिंक्स कैसे बनेंगे और ये कौन बनाएगा। इसी वजह से लोग डर के मारे या टेक्निकल नॉलेज ना होने के मारे वो दूसरों पर जाकर रिलाई करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग स्केल करने के चक्कर में टूल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, दो नंबर ही करते हैं, यहाँ तक कि लोग लिंक बेचना शुरू कर देते हैं। तो हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे में जब लिंक्स बहुत ज़्यादा अरूज पे थे, वैसे तो अब भी अरूज पे हैं, लेकिन लिंक्स बेसिकली क्या करते हैं, आपको लिंक लेना आपके लिए एक मसला होता है, तो लोगों ने क्या किया, लिंक बेचना शुरू कर दिए। अब जो टेक्निकल SEO जानते थे, जो SEO बेहतर कर सकते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर नेश के ऊपर एक वेबसाइट बनाई और 50-50 वेबसाइट बना के हर तरह के लोगों को वेबसाइट के लिंक्स बेचना शुरू कर दिए। होता क्या था कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक SEO एक्सपर्ट हूँ, मैंने हेल्थ पे एक वेबसाइट बनाई, मैंने फाइनेंस पे एक वेबसाइट बनाई, एक स्पोर्ट्स पे बनाई, एक एजुकेशन पे बनाई, करते करते मैंने हर नेश के ऊपर एक वेबसाइट बना ली और उसको किसी तरह से रैंक करवा लिया गूगल में, अच्छी अच्छी उसकी SEO कर ली। अब मेरी वेबसाइट अच्छी होगी तो जिसको मैं लिंक करूँगा उसकी वेबसाइट भी अच्छी होगी, ये चीज़ हमने समझ ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं जा के देखूँगा टॉप टेन रिजल्ट्स को गूगल के पेज नंबर 1 पे देखूँगा कि कौन लोग नीचे रैंक कर रहे हैं। मैं जाके दूसरे तीसरे चौथे या 10वें नंबर पे जो बंदा आ रहा है उसको मैं जाके कहूँगा कि भाई आप नीचे रैंक कर रहे हैं, आप इतनी ट्रैफिक मिस कर रहे हैं, आप मुझे महीने के इतने पैसे दें तो मैं आपको ऊपर लेके आ सकता हूँ। असल में लोग गारंटियाँ देते हैं SEO की, वो इसी बेस पर देते हैं कि उनके पास वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं, वो जाके उधर लिंक लगाते हैं, उस लिंक से फ़ौरन जूस मिलना शुरू हो जाता है, वो जो एक्चुअली उनको वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है उसकी वजह से वो बूस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि गूगल ये भी ट्रैक कर सकता है, गूगल को पता है कि कहाँ पर आप अननेचुरल कर रहे हैं, तो आप एक दफ़ा पैसे देकर लिंक्स ले लेंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो मसला ये होगा कि शुरू में शायद आपको एकदम से बूस्ट मिल जाए, लेकिन गूगल ये देखेगा कि ये कैसे लिंक आए। जैसे ही वो गूगल उनकी वेबसाइट विजिट करेगा और देखेगा कि वो तो सिर्फ एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर सिर्फ लिंक्स पड़े हुए हैं, उसमें एक्चुअली कुछ होता नहीं है, उधर कोई लोग ही नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वेबसाइट बनाई सिर्फ लिंक्स के लिए गई थी, वहाँ लोग जाते नहीं हैं, वहाँ जाके लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं, एंगेजमेंट नहीं है, सेशन लेंथ नहीं है, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, अगर है वन ऑफ द ट्रैफिक ही नहीं है। तो सारी चीज़ें गूगल जब ट्रैक करेगा अल्टीमेटली वो आपको देखेगा कि आपने इनसे लिंक यकीनन बाय किया होगा, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो वेबसाइट चली नहीं रही है और आप उससे लिंक ले रहे हैं, तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी पड़ेगी और आपकी वेबसाइट डेड हो जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करें। लिंक्स देखने में लगता आसान है कि आप बाय करेंगे और आपकी आपका काम चल जाएगा, ये बहुत सारे लोग करते हैं, और अगर आप फाइवर पे या दूसरी वेबसाइट पे जाके देखें तो लिंक सेलिंग बकायदा तौर पे एक एज अ सर्विस चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट एक दफ़ा गूगल में हिट हो गई, एक दफ़ा पेनल्टी पड़ गई, वो फॉरएवर के लिए आप समझें गई, क्योंकि रिकवर करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। अगर आप रिकवर करने के एफर्ट लगाएंगे तो उससे बेहतर आप 10 वेबसाइट की SEO कर लें, इतनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी आपको एक वेबसाइट को रिकवर करने में। तो रिकवर करना इट सेल्फ इज़ लाइक एक सुसाइडल मोड है कि आप रिकवर कर ही नहीं सकते हैं, आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल गंदी कर देगा, या आपको अगर आप किस तरह का भी रिलेशन है वो रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको ऐसे लिंक्स देंगे जो उसकी वेबसाइट को हिट करेंगे। सो पेड लिंक्स अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी आसान स्ट्रेटजी है, और लोगों ने चूंकि बिज़नेस भी बना लिया, आप महीने के जिस तरह घर का किराया देते हैं, दुकान का किराया देते हैं, अब लिंक्स का भी किराया देते हैं, तो लिंक रेंटिंग एक प्रॉपर सर्विस बन चुकी थी। गूगल को इससे भी मसला था, गूगल ने हर तरह से पेड लिंक्स को मना किया है। अगर आपने पेड लिंक्स, आपने अगर किसी का रिव्यू लिखा है और आपने उससे पैसे लिए हैं, गूगल ने ये बकायदा कंडीशन रखी है कि अगर आपने लिंक लगाया किसी का, प्रमोशनल लिंक साथ लिखें कि ये लिंक प्रमोशनल है और आपने इसके पैसे लिए हैं, और उसको नो फॉलो करें। अगर आपने किसी को लिंक दिया है तो उसको नो फॉलो करें, अगर आप किसी से लिंक ले रहे हैं पैसे देकर, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लिखे कि ये प्रमोशनल लिंक है, ये पेड लिंक है, और ये पेड रिव्यू है, व्हाटएवर जो भी आपने उसको पैसे दिए जिस काम के लिए, वो बकायदा मेंशन करेगा डिस्क्लेमर के अंदर, और ये भी वो उसको नो फॉलो भी करेगा। तो इवन दो आप पैसे देकर लिंक ले रहे हैं, आप डू फॉलो या फॉलो लिंक नहीं ले सकते, आप नो फॉलो लिंक लेंगे, ये गूगल की गाइडलाइंस कहती हैं। अगर आप किसी ऐसे SEO एक्सपर्ट के पास या किसी ऐसी SEO टेक्निक में फंस जाएंगे जहाँ आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े आसान लिंक्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगी कि वो लिंक्स तो आसान होंगे लेकिन कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, या कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ही ना हो जिसकी आप SEO कर रहे थे। अगर आप वेबसाइट की SEO थोड़ी नॉर्मल करेंगे तो महीने के $2,400 जितने भी आप पैसे ले रहे हैं क्लाइंट से वो आते रहेंगे। जिस दिन उसकी वेबसाइट डाउन हुई, आपका ना सिर्फ क्लाइंट गया हमेशा के लिए, आपकी वो जो मंथली रिकरिंग इनकम थी वो भी गई,
اور یہ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کی پروفائل خراب ہوگی اس کے بعد جو آپ کے مزید آنے والے ویسے 5-10-15 کلائنٹ جو آپ نے اگلے ایک سال میں پورے ہائر کرنے تھے آپ وہ بھی بیس کر دیں گے. تو بیسیکلی پیڈ لنکس ان شارٹ ایک ڈینجرس گیم ہے, رسکی گیم ہے اگر گوگل نے آپ کو پکڑ لیا, جو کہ وہ پکڑ لے گا کیونکہ اس کے ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جو صرف اسی کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے نہ الگوریزم ڈیزائن کیا ہے نہ ہمیں پتہ کہ گوگل کے سرور کس کس طرح سے ہمیں ٹریک کر رہے ہیں, تو ہم ہمیشہ اس ریس میں ہاریں گے. اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ اس ریس میں مت پھنسیں, آپ کلائنٹ کو باقاعدہ کہیں کہ بھائی ہم لنکس نیچرل بنائیں گے, نیچرل بنانے کے لیے ہمیں کانٹینٹ چاہیے. اگر آپ اس ریس میں جائیں گے تو ہماری گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے بھی جب لوگ یہ مانگتے ہیں تو میں تو پہلے گارنٹی دیتا ہی نہیں ہوں. اگر وہ پھر بھی ضد کریں تو ان سے پہلے ہی کہتا ہوں کہ جس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اول تو کلائنٹ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ آپ سے یہ چیز مانگے گا نہیں, جب آپ اس کو ایجوکیٹ کر دیں گے کہ بھائی یہ چیز ڈینجرس ہے اور ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں, آپ بھی کلائنٹ کو بتائیں تاکہ وہ ایک اس غلط طرف مت جائے اور اس بات کا وہ آپ کو شکریہ ادا کرے گا. کیونکہ اگر وہ کسی اور کے پاس جا کے ہٹ ہو گیا اس کو آپ کی بات یاد آئے گی کہ اس بندے نے ٹھیک کہا تھا, مے بی وہ ویب سائٹ چلی جائے لیکن مے بی آپ کو اس کا اگلا بزنس مل جائے.